कार्तिक मास महत्तम अध्याय 23 और 24। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में स्नान दान तप होम और उपवास करने से भयानक पापों का भी नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। इसलिए अभी भी समय है इस पावन समय का सदुपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 23 और 24 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 22 में हमने गंगा जल का महत्व जाना था। अब आज इस अध्याय में हम श्री राधा रानी के पिछले जन्म का वृतांत सुनेंगे। क्यों राधा रानी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। 23वां अध्याय वर्णन, राधा कृष्ण प्रेम जान, पढ़ने सुनने से इसके हो जाता कल्याण। बोलो कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा ही क्यों की जाती है, ये सब कथा मुझे विस्तार से कहो। तब नारद जी कहने लगे, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, पहले मनवतर में पंचाल देश में प्राचीन विही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम से विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नित्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वो इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नित्य करती रहे। वो भगवान के प्रेम में उन्मत्त थी। उसके चित्त में सदैव भगवान का स्मरण रहता था। उसे भगवान के सिवा ना कुछ अच्छा लगता था। उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और मंदिर में ही रहकर अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया। उसका प्रेम भगवान के लिए बहुत शुद्ध था। इसी प्रेम पीड़ा में उसने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वो सुंदर देवांगना चंद्रकीर्ति बनी। एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर वो नृत्य करने लगी। देवांगना का मन अभी भी पूरी तरह से भगवान के प्रेम में समर्पित था। वो हर समय भगवान का ध्यान करती, उन्हें रिझाती और नृत्य करती। उसका मन मंदिर ध्यान और हर कर्म में सिर्फ भगवान का ही वास होता। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में ही थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली, हे ब्रह्मा जी, आपको मेरे पूर्व जन्म का भान है। ये समय मेरे मनोरथ पूर्ण होने का है, कृपया आज्ञा दे जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी उसकी प्रार्थना और उसके भगवान के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर बोले कि तुम नंद गांव में वृषभानु गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेके सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगी तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए देवांगना चंद्रकीर्ति के प्रेम अश्रु और उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए
भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। यही हमारे अध्याय 23 का फिरा। आज हम कार्तिक मास महत्तम का 24वां अध्याय भी सुनेंगे, जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय के पूर्व जन्म का वृतांत है। बहुत ही मनभावक कथा है, प्रेम मन और भाव से सुनिए। लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सब ध्यान लगाकर। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, मैं श्री राधा रानी के पिछले कर्मों का वृतांत सुनकर धन्य हो गया। अब आप कृपया कर मुझे भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय के विषय में भी बताएं। उन्होंने क्या कर्म किए थे जो वो भगवान के पार्षद हुए? देवऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महाऋषि कर्दम की तुष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल भी उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मारुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बन गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में राजा मारुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पे गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लागडांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। वहीं विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मतंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इस शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कह के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदांतर वो दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वो भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वो गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी में गया तो उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण करे वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वो स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वो ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। इसके बाद नारद जी बोले, हर मनुष्य को ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहना चाहिए। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी के बगीचे की रक्षा करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वो जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है। यही हमारे कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 24 का फिरा। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। देखो एक बात बताऊं, जितने भी भोग भोग लो पर मन को आंतरिक शक्ति सिर्फ हरि चरणों में ही मिल सकती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पगल क्या हो जाए नहीं पता,
शरीर का कष्ट या रोग हमें मोह माया और इस कलयुग की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है। और जब कृष्ण कृपा से हमें इतनी समझ आ रही है तो क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके इस कलयुग और माया के प्रभाव से मुक्ति ही पा ली जाए। क्यों? याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।